हेलो ऑल, इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल जनरल के टाइप सेकंड टाइप सेल जनरल बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज जनरल बताया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज जनरल, उसकी सब्सिडी लेजर, सेपरेट जो है अकाउंट पेबल की जो लेजर, ये सब चीज़ें बताई थी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सेल जनरल। द गुड्स विच सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द सेल जनरल। परचेज जनरल में क्या था? द गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज जनरल। तो अब यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट एज परचेज जनरल, कि उसमें मर्चेंडाइज होगी ऑन क्रेडिट पे या गुड्स होगा ऑन क्रेडिट पे, वही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कोई ऐसा दूसरा टाइटल आ गया, लाइक ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, या हमारे पास टाइपराइटर है, या कोई ऐसी इक्विपमेंट है जो क्रेडिट पे हो और कैश पे हो, वो हम इस एंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली मर्चेंडाइज या गुड्स जो है वो इस सेल जनरल में हम इंक्लूड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब है क्या इसमें? वही कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे सेल जनरल दिया हुआ होगा, सेल जनरल दिया हुआ होगा और सेल्स की एंट्रीज दी हुई होगी, सारी ट्रांजेक्शन दी हुई होगी, और हमें इसको सेल जनरल और रिटर्न होगा, तो सेल रिटर्न में इसको सब्सिडी लेजर बनाना है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे सेल जनरल बनेगा, फिर जो है वो सेल रिटर्न जनरल बनेगा, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर बनेगा, राइट। वहाँ पे परचेज जनरल में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट पेबल का सब्सिडी लेजर, लेकिन यहाँ पे अब हम अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस कुछ चीज़ें हमारी अपोजिट है। यानी वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट पेबल का जो नेचर था वो अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट था, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का नेचर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। मैं आपको आगे क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ, क्लियर है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो एंट्रीज दी हुई है, ये क्वेश्चन जो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर डिलक्स फर्निशिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004, सोल्ड मर्चेंडाइज टू एमएन को, इनवॉइस नंबर 633। इनवॉइस का मैंने बताया था कि इनवॉइस जो है हम अब यहाँ पे हम अपने कस्टमर को जो भेजेंगे, सारी डिटेल्स, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है, मर्चेंडाइज की उसकी क्वालिटी है, इसकी क्वान्टिटी है, इसकी अमाउंट है, ये सब हम डिस्क्रिप्शन जो है वो, तो उसके जो नंबर होंगे इनवॉइस के, वो नंबर यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, और अगर नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्टली बस वो कॉलम को खाली छोड़ देंगे। फिर सेकेंड है हमारे पास 6 मार्च के अंदर सोल्ड मर्चेंडाइज टू नवाब एंड सन्स, फिर उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज टू रईस एंड को, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम एमएन को, सोल्ड मर्चेंडाइज टू एमएम एंड सन्स, सोल्ड मर्चेंडाइज टू असलम ब्रदर्स, असलम जुबैर, रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम, यानी रिटर्न हुई है सही सेन को, रिटर्न मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम एमएन सन्स, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम असलम जुबैर, मर्चेंडाइज कंसाइन टू, कंसाइन भी वही सेल ही है, हमने इसको कंसाइन किया है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू नवाब एंड सन्स, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम राजा ब्रदर्स, मर्चेंडाइज कंसाइन टू राजा ब्रदर्स, सोल्ड मर्चेंडाइज टू रईस एंड को। सेम यह रिक्वायरमेंट है सेल जनरल बनाने, पेज नंबर 12 दिया हुआ है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको परचेज जनरल के अंदर बताया था, पेज नंबर क्या है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस के अंदर भी दिया हुआ है पेज नंबर 3। अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर बनाना है और अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल बनाना है। अब यहाँ पे वही कंपनी का नाम, सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो सवाल के अंदर जो क्वेश्चन में जो डेट है, जो भी डेट हमारे पास जो है वो गिवन है। अब इसके जो कॉलम्स हैं पर सेल्स जर्नल के, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, परचेज में नेम ऑफ सप्लायर था, पिया, पेज नंबर और ये अमाउंट, ये मैंने इसके टाइटल्स लिख दिए। अब हम सेल्स जर्नल का बना रहे हैं तो जितनी भी एंट्रीज होगी जो बिलोंग करेगी हमारी सेल्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन है और वो भी ऑन क्रेडिट पे, वो हम जो है इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो मार्च 4 के अंदर एमएन को है, मार्च 4, इनवॉइस नंबर 633, एमएन को, और उसकी अमाउंट मैंने लिख दी 29,000 अमाउंट। 6 के अंदर नवाब एंड सन्स है, वही 634 है, 6 है नवाब एंड सन्स के, और उसकी अमाउंट मैंने 32,800 यहाँ पे लिख दी, राइट। फिर 9 के अंदर है रईस एंड को, उसकी अमाउंट लिख दी मैंने 35,000, नाइन्थ डेट है उसकी, फिर रिटर्न तो नहीं लेंगे। फिर वापस 12 के अंदर है जो है 31,500 है,
एम एम इंसान है, डेट है और इन्वाइस नंबर 637 वो लिख दी, जितने भी इन्वाइस ही थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे 15 पे असलम ज़ुबैर है, 15 पे असलम ज़ुबैर लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया मार्च 15, 638 उसका इन्वाइस नंबर है और 31,100 उसकी अमाउंट है। फिर आते हैं हम यहाँ पे इन्वाइस नंबर जो दिया हुआ है 18 पे राजा ब्रदर्स है, 18 पे राजा ब्रदर्स पे आ गए, 640 उसके इन्वाइस नंबर है और 13,200 जो है मेरी अमाउंट है। फिर आते हैं यहाँ पे 641 जो इन्वाइस नंबर है मार्च 20 पे नवाब इंसंस है, नवाब इंसंस पे आकर उसकी अमाउंट है 6,400। देन ये रिटर्न है और लास्ट सेकंड लास्ट है मार्च 27 642 मेरा इन्वाइस नंबर है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास उसकी अमाउंट है 8,800। फिर लास्ट जो है वो 30 है रईसन को 643 इन्वाइस नंबर है और उसकी अमाउंट है 9,400। ये लिख लिया, अब इसके बाद सारी अमाउंट की मैं टोटल करूँगा और ये आएगा 1,97,200। अब इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सेम वही कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और अगर कंट्रोल अकाउंट नंबर दिया है सवाल के अंदर तो मैंने आपको उसके अंदर ही बताया था परचेज जर्नल में भी, जैसे यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का फॉर एग्जांपल दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर दिया होता 1202 है तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल पे डेबिट की जगह 1202 लिख देता और सेल्स के अंदर दिया हुआ है 3210 है तो मैं क्रेडिट की साइड पे यहाँ पे 3210 लिख देता, फिर डेबिट क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह सेल रिटर्न का भी दिया हुआ था तो फिर सेल रिटर्न के अंदर भी वही कंट्रोल अकाउंट नंबर लिखता मैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख रहा हूँ। अब परचेज में एंट्री क्या बनी थी, परचेज डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स के बना रहे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेम यहाँ पे फिर सेल रिटर्न बनाएंगे, डिलक्स नाम है कंपनी का, डिलक्स फर्निशिंग कंपनी, सेल रिटर्न है जनरल और फॉर द अमाउंट ऑफ मार्च 2004 पे नंबर 3। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जितने भी रिटर्न किए हैं तो क्रेडिट नोट नंबर आएगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, परचेज में रिटर्न के अंदर डेबिट नोट नंबर था या क्रेडिट नोट नंबर, तो क्रेडिट नोट नंबर मार्च 10 लिखा, क्रेडिट नोट नंबर 147 है और इसकी अमाउंट मैंने 2400 लिख दी। फिर वापस मार्च 15 के अंदर जो है वो 148 है रईसन को, उसके अमाउंट मैंने 2500। फिर वापस जो है रिटर्न किया 16 के अंदर एम एन सन्स, ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर जो है 149 है और 200 रुपीज़ रिटर्न। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 16 मार्च 16 के अंदर क्रेडिट नोट नंबर 150 एंड असलम ज़ुबैर और उसकी अमाउंट है मेरे पास 600, ठीक है, वो मैंने पोस्ट कर दी। और एट लास्ट में है मेरे पास मार्च 25 राजा ब्रदर्स अमाउंट, उसकी 8,008 अमाउंट जो है वो 200 है, ये 200 है और 151 जो है मेरे पास उसका क्रेडिट नंबर है। वही मैंने सब चीज़ों का टोटल किया सारे अमाउंट का और उसकी मैंने एंट्री बना दी, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट लिख दी और अपने अमाउंट वाले मैंने एक ही दफ़ा लिख दूंगा, तो यही डेबिट है वही क्रेडिट है। अब यहाँ पे बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर, परचेज के अंदर था अकाउंट पेबल का सब्सिडी लेजर, यहाँ बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर। तो जितने भी हमारे पास जो है वो सेपरेट जो है उन्हें यहाँ पे सेल्स जनरल और सेल रिटर्न में से अमाउंट को वैल्यूज को लूँगा और सेपरेट सब कस्टमर्स के अकाउंट को ओपन करूँगा। सबसे पहले आ जाता है एमएन को, यहाँ पे एमएन को है, एमएन को मार्च 4 टाइटल अपोजिट सेल आएगा क्योंकि सेल्स हुई थी और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था, और एस जे फॉर सेल्स जनरल पेज नंबर 12, वहाँ पे पी जे था यहाँ पे एस जे, और अकाउंट रिसीवेबल जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में जाता है तो 29,000 मैंने डेबिट में लिख दिया, वही डेबिट के अंदर बैलेंस 29,000 लिख दिया, राइट। इसके बाद और एम एन को का जो बैलेंस मेरे पास जो है एम एन को का रिटर्न में, ये मार्च 10 के अंदर सेल रिटर्न लिखा, सेल रिटर्न मार्च 10 और उसकी जो वैल्यू है 2400 क्रेडिट में चला गया क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट में चला गया। अब ये यहाँ पे डेबिट में है 29,000 और डेबिट क्रेडिट माइनस किया 26,600 मेरा बैलेंस आ गया जब मैंने 29,000 में से 2400 माइनस किया। सेम यहाँ पे आ जाते हैं नवाब इंसंस, नवाब इंसंस के मार्च 6 सेल्स हुई है एस जे 12
पेज नंबर और नवाब इंश्योरेंस का 32,800 है, ये लिख दिया डेबिट के अंदर, तो वही अमाउंट बैलेंस भी डेबिट में आ गया। फिर जुबा नवाब इंश्योरेंस का जो है वो रिटर्न कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्च 20 पे जो है वो वापस सेल हुई है नवाब इंश्योरेंस की 39,200 नहीं, हाँ 6,400, तो 6,400 जो है मैंने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। ऑलरेडी बैलेंस 32,800 डेबिट में है, तो डेबिट डेबिट प्लस हो गया, तो 39,200 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास रईसन को है, रईसन को मैंने लिख दिया मार्च 9 सेल्स एस जे 12 35,000 रईसन को का बैलेंस है मेरे पास, ये रहा 35,000, मैंने डेबिट में लिख दिया, वही बैलेंस में आ गया। फिर दूसरा जो है वो रईसन गो का बैलेंस नज़र आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे है 30 पे, मार्च 30 पे सेल्स हुई है, पर उससे पहले जो है रिटर्न भी हुआ हुआ है रईसन गो का मार्च 15, तो सॉरी मार्च 15 के अंदर जो है वो मैंने सेल रिटर्न लिखा एस आर जे सेल रिटर्न जनरल पेज नंबर 3, और उसकी वैल्यू को मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो वही डेबिट 35,000 में से 2,500 माइनस किया 32,500 डेबिट क्रेडिट माइनस हुआ। और फिर नेक्स्ट वापस मार्च 30 के अंदर रईसन को जो है 9,400 सेल्स हुई है, मार्च 30 सेल्स जनरल एस जे 12 और डेबिट के अंदर 9,400, तो 32,500 जो है वो डेबिट में ही बैलेंस है, डेबिट डेबिट प्लस हो गया 49,100, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये है एम एम एन सन्स जो है वो सेल्स हुई है मार्च 12 सेल्स एस जे 12 31,500 जो है मेरा डेबिट में आया, वो डेबिट में लिख दिया। और फिर वापस सेल रिटर्न हुआ एम एम एन सन्स 200 सेल रिटर्न एस आर जे 3 और क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि रिटर्न था तो क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट क्रेडिट मैंने माइनस किया तो 31,300 आया। फिर उसके बाद है हमारे पास असलम ज़ुबैर का 31,100 मार्च 15 है, मार्च 15 सेल्स एस जे 12 31,100 और वही मैंने डेबिट में लिख दिया। फिर असलम ज़ुबैर का जो है वो यहाँ पे असलम ज़ुबैर का यहाँ पे रिटर्न आ रहा है मार्च 16 सेल रिटर्न एस आर जे पेज नंबर 13 और अकाउंट्स को मेरा रिटर्न करना क्रेडिट में चला गया 600, तो 31,100 में से 600 को माइनस किया 30,500 आ गया। और लास्ट में मेरा बचा हुआ है राजा ब्रदर्स, क्योंकि रईसन को तो ऊपर हो चुका है, राजा ब्रदर्स का 1,818 पे सेल हुई है एस जे 12 13,200 डेबिट में, वही बैलेंस लिख दिया मैंने, वो डेबिट है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा, यहाँ पे राजा ब्रदर्स का जो है मेरे पास राजा ब्रदर्स है 13,200। अब उसके बाद आते हैं हम राजा ब्रदर्स दूसरा यहाँ पे है 27 पे, लेकिन उससे पहले जो राजा ब्रदर्स 25 पे रिटर्न हुई है, तो ये रिटर्न 200 रुपीज़ मैंने जो क्रेडिट में लिखा सेल रिटर्न मार्च 25 एस आर जे पेज नंबर 3 क्रेडिट डेबिट क्रेडिट माइनस किया, ये बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद वापस राजा ब्रदर्स का जो है वो मार्च 30 के अंदर 27 के अंदर ये राजा ब्रदर्स है 8,800 मैंने यहाँ पे एस जे 12 सेल्स और डेबिट में लिख दिया, तो ऑलरेडी बैलेंस डेबिट में ही है, तो इसको डेबिट डेबिट प्लस किया तो मेरे पास 21,800 जो है वो मेरे पास बैलेंस टोटल आ गया। फिर लास्ट अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल बनाएंगे, रिक्वायरमेंट में है मेरे पास, जिस तरह परचेज जनरल का था, परचेज जनरल में रिक्वायरमेंट में था, वहाँ पे हम अकाउंट पेबल का शेड्यूल बनाते थे बनाए, यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में कुछ नहीं, वही परचेज जनरल की अकाउंट पेबल की तरह ही है, कि जितने भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल की हेडिंग डाली, जितने भी मेरे पास कस्टमर्स हैं एम एन को नवाब एन सन रईसन को एम एम एन सन्स और असलम ज़ुबैर और एटलास से राजा ब्रदर्स, ये लिख लिया मैंने सारी वैल्यूज जो थी एंडिंग की, मैंने सब 26,600 39,200 जो बैलेंस है नवाब एन सन्स का, रईसन को का 49,900 एम एम एन सन का 31,300 असलम ज़ुबैर का 30,500 और 21,800 इसका है मेरे पास राजा ब्रदर्स का, इन सब को मैंने टोटल किया तो 1,91,300 आया। और उसको मुझे चेक करना है, तो ये जो सेल्स जनरल में जो वैल्यू थी 1,97,200 उसको माइनस करें सेल रिटर्न में से 5,900 को, तो यही बैलेंस आएगा, राइट। तो सेल्स जनरल से पहले आप
परचेज चैनल की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब चीज़ें सेम है, बस टाइटल्स वगैरह सारे ऑपोजिट हैं और जो पैटर्न है और जो उसका फॉर्मेट है वो सब सेम है। बस अकाउंट पेबल जो है वो अगर इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट में जाता है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट में जा रहा है, सब अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर वो एंट्रीज आएंगी जो हमारे पास ऑन क्रेडिट की सेल्स की होंगी, सेल मर्चेंडाइज के अंदर। इसके अलावा जो एंट्रीज आ रही है हमारे पास, लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आ जाती सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश, तो फिर वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में होता है कि फिर उसके हम सिंपल जनरल जनरल एंट्री बना लेते हैं। सिंपल हम जनरल जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, जैसे जो सेल्स हुई है तो जनरल जनरल एंट्री के अंदर हमारे पास कैश पे है तो कैश को मैंने डेबिट कर दूंगा, जो भी अमाउंट होगी, जो भी फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, और कंप्यूटर को मैं क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल, उसकी फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कंप्यूटर क्रेडिट हो गया मेरे पास, उसका जो है हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही मैं उसको सेल जनरल में पोस्टिंग करूंगा, कंप्यूटर मेरा क्रेडिट हो गया। इसी तरह परचेज में भी यही था कि अगर परचेज कंप्यूटर फॉर कैश आ जाए तो परचेज कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, जो जनरल जनरल एंट्रीज के जो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह सोल्ड मर्चेंडाइज भी अगर आ जाता फॉर एग्जाम्पल कैश पे, तो कैश को डेबिट करता और सेल्स को क्रेडिट कर देता। फिर इसकी सिंपल हम जनरल जनरल एंट्री अगर वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो, वरना वो एंट्री लेते ही नहीं। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इससे पहले आप परचेस जनरल की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो है वो फिर इसके बाद जो है वो सेल्स जनरल की देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जो है वो मैं आपके पास हाजिर होता हूँ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।